आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ बटर चिकन की, तो आइए मेरे साथ देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ अपने स्टाइल में। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल के बटन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो, हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकेगी। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें मसाले हम डालेंगे। जो उसमें है, मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा पिसी मिर्च मैंने ले ली है 1 टेबलस्पून, और उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्च मैंने ले ली है 1 टीस्पून, इसके अलावा हल्दी मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है इसमें नमक। और इतने ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डलेगी इसके अंदर। बाकी इसमें हमने डालना है क्रीम, 1/2 कप ले लिया मैंने, 8-10 दाने ले लिए हैं मैंने काजू के, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और 3 मैंने ले लिए थे टमाटर जिनको मैंने कट करके रख लिया है, और अदरक लहसुन मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा 3 अदद प्याज लेकर मैंने उनको ग्राइंड करके रख लिया है, और चिकन मेरे 1/2 केजी से ज़्यादा है, 3 पाव है, और इसके अलावा मैंने बटर ले लिया। ज़ाहिर है बटर चिकन बना रही हूँ तो इसमें बटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैंने ऐसे ले लिया है, तो आप इसको कट करके इसमें से निकाल लीजिएगा, जैसे आपके पास कम हो, भले 1/2 कप हो तो भी चलेगा। चलिए अब देखते हैं। इनको सौते कर लेंगे हम। साथ टोमेटोज भी देखें, अब इस तरह के ये हो गए हैं। इनको मैं निकाल कर ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैं इसमें, पहले मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, अब मैं इसके अंदर ये बटर जो मैंने कट करके रखा था वो डाल दूँगी। छोटे छोटे स्लाइस करके मैंने रख लिए थे, थोड़ा हल्की आँच करनी पड़ेगी बहुत। ये देखें इस तरह, अगर सिर्फ हम बटर ही डाल दें पैन में तो वो फिर जल जाता है, ऑयल में डालेंगे तो फिर नहीं जलेगा। तो देखिए इस तरह से ये सारा मेल्ट हो गया। इसके अंदर अब मैंने वो जो प्यूरी बना ली थी वो डाल दूँगी, टोमेटो वाली जो थी, काजू टोमेटो थे उसके अंदर, और उसके अंदर था अदरक लहसुन, ये सब मैंने डाल के जो बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था वो, ये रहा, ये मैं इसको डाल दूँगी। फिर हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसके अंदर, इसको हम अभी फ्राई करेंगे। प्याज जो हमने लिया था वो भी, हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फ्राई करते रहेंगे यानी कि भून लेंगे इसको। अब मैं साथ साथ ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो थे वो डाल दूँगी, ये जो मैंने आपको बताए थे शुरू में, मिर्ची, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला है, कुटी हुई मिर्च भी है इसके अंदर। अभी मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी रेडी हो गई है ग्रेवी। चिकन ऐड कर दूंगी अब मैं इसके अंदर। इसको हमने फ्राई करना है, फिर फ्राई क्या मतलब, भूनना है इसको अच्छे से, कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक इसमें जो है पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल, इतना भून लेंगे और चिकन गल भी जाएगी भूनने के दौरान। बस ये इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है। देखिए इसका ऑयल ऊपर आने लग गया है। और जी एक बात याद रखिएगा कि बटर जो आप ले रहे हैं तो उसमें सॉल्ट होता है ना, वैसे मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था, तो इसलिए
आप इसमें सॉल्ट की मिकदार थोड़ी कम कर लीजिएगा। हमारा चिकन गल चुका है, अब मैं इसमें ये क्रीम जो है ये भी ऐड कर दूंगी। काफ़ी रिच ग्रेवी हो जाएगी इसकी। मज़ेदार सी, कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखिए, और फ्लेवर भी इसका अच्छा है। मैंने टेस्ट कर लिया था बीच में थोड़ा सा, कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन बिल्कुल बैलेंस है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब मैं इसमें ऊपर से बटर स्लाइस करके डाल दूंगी। वो आप पर है, आप कितना भी जितना पसंद करते हो उतना ही डाल दें। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी रेडी हुई है। ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है, फिर बताना भी है कि आपकी डिश कैसी बनी थी, मुझसे ज़रूर शेयर करना है। मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।